अभी हम दोनों अलग हो गए थे और ये आगे चले गए, मैं इनको ढूंढने पीछे चला गया। हाँ ये था, ये था। भुट्टा सेल्स मैन, अरे भुट्टा ले लो, 50 केक सेहत मंदों के लिए, आइए आइए आइए। अच्छा पत्थर से निकलता है ना यहाँ पे, पत्थर का पसीना होता है। हम भी लेंगे शिलाजी। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग भागवत चार अक्षर से बना है, वह से भक्ति, घ से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। तो ये जो चार धाम की यात्रा है, बल्कि एक यात्रा नहीं, एक भागवत की कथा का जितना पुण्य होता है उतना ही ये चार धाम की यात्रा का फल है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। वैसे तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूँ कि मैं जा रहा हूँ यमुनोत्री, और फिलहाल मैं हूँ एक जगह में जिसका नाम है खरादी, जो कि यमुनोत्री से करीबन 32 किलोमीटर पीछे है। और अभी मैं ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ, रात को हम यहीं रुके थे, मेरे कैमरा मैन है, मेरे दोस्त का मामा सबसे छोटे मिस्टर गोली, उनसे भी मिलवाएंगे। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी यात्री आ रखे हैं साइड में, पहली बार आया और काफ़ी एक्साइटेड था, तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। और फिलहाल तो मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ और दिखाते हैं आपको रास्ते का नज़ारा। खाना हो गया हमारा और अभी हम निकलने वाले हैं आगे यमुनोत्री के लिए, और पहली बार है मेरा इस धाम में, तो काफ़ी खुशी भी है। और हमारे प्रिय मित्र और हमारे सबसे छोटे मामा जी, हेलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, हेलो। अभी तो खाना खाया, एनर्जी नहीं है क्या? और ये जगह यार, ये जगह भी काफ़ी अच्छी है रुकने के लिए, जब भी कभी आओ यमुनोत्री, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी काफ़ी सारे यात्री आते हैं, बहुत बसें गई कल हम एक्चुअली आगे तक चले गए थे वहाँ, उससे भी मतलब आगे, वहाँ रोड थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन वहाँ पे क्या था कि एक तो जाम भी बहुत लग रहा था, ऊपर से टाइम भी हो गया था, ऊपर से हमारा जो वाहन है उसमें तेल भी ख़त्म होने की कगार पे था। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ मैं कि नौगांव जो आता है रास्ते में, जब आप यमुनोत्री आते हो तो नौगांव आता है, अगर आप कैंपटी मसूरी कैंपटी होते हुए आ रहे हो, कैंपटी फॉल होते हुए, तो नौगांव बड़कोट होते हुए आते हो, तो नौगांव के बाद कोई भी पेट्रोल पम्प नहीं है, तो भाई साहब गाड़ियाँ फुल करके आना, क्योंकि यहाँ पेट्रोल ऐसे ही मिलता है, तब 20-25 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा, वो भी लोगों ने रखा होता है जो ब्लैक में बेचते हैं। तो यही है जी, और चलते हैं, अभी लेट हो रहे हैं, वैसे हमें सुबह निकल जाना चाहिए था कायदे से, लेकिन हम काफ़ी लेट कर दिया हमने। ये देखिए जी, काफ़ी गाड़ियाँ बसें जा रही हैं, तो फिलहाल के लिए निकलें, चलो चलो जी सर। गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं जानकी चट्टी, और यहाँ से यमुनोत्री धाम का ट्रैक शुरू होगा, जो कि करीबन 5 से 6 किलोमीटर का है। और फिलहाल हम चाय पीते, थोड़ी सुस्ती आ रही है, और रास्ता मैं क्या बताऊँ यार, बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब था, खराड़ी के बाद बहुत ज़्यादा बेकार था रास्ता, मतलब जितने भी पॉइंट आए सब ऐसे थे कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, जिसे बोलते हैं ना रोड्स एवर एज सीन बिफोर, ऐसा था। तो जी चलें, क्या करें, चाय हैं, देख देखो चाय 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 हो जाए थोड़ा। हमने अपने यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत कर ली है, और पैदल 5 से 6 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये ट्रैक। और मुझे जैसा रास्ता दिख रहा है ये तो बहुत सीधा रास्ता है, इससे तो काफ़ी ज़्यादा टफ ट्रैक कर रखे हैं। और यहाँ पे काफ़ी धर्मशाला टाइप बने हुए हैं, जो लोग यहाँ आते हैं दूर दूर से उनके लिए, और होटल्स वगैरह भी आपको इजीली यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी कि जब खराड़ी के बाद हम आगे आए, तो पहले सबसे पहले आई सयाना चट्टी, फिर हनुमान चट्टी, फिर फूल चट्टी, अब ये जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से ये ट्रैक शुरू होता है, लेकिन जो रोड थी ना, मैं क्या बताऊँ, रोड वॉज लाइक बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी।
और ये देखिए जी, यहाँ पे आपको जो पैदल नहीं चल सकते उन्हें खच्चर पालकी वाले सब मिल जाएंगे। खच्चरों का मुझे प्राइस वगैरह पता नहीं है, मैं अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 2000-2500 इतना होगा। मैंने डरा दिया। ये देखिए जी, लोगों के घर भी हैं और होम स्टे बना रखे हैं लोगों ने, और काफ़ी अच्छा है, एकदम गांव का माहौल है। जब आप यहाँ आए तो आपके रहने खाने के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। काफ़ी सही है यार, है ना? कैसा लग रहा है? एक नंबर। हो और मैं देख रहा हूँ यार, भीड़ इतनी ज़्यादा है, गाड़ियाँ इतनी आ रखी हैं कि क्या बताऊँ। झंडे के बारे में, ये रोड कहाँ जा रही है वो वाली? अच्छा ये रोड कहाँ जा रही है ये वाली? यहीं ऊपर, ये रास्ता यही है ना वैसे ऊपर धाम का? ठीक ठीक ठीक, रास्ता तो वैसे ठीक है, चलो चलने लायक, लेकिन काफ़ी कीचड़ और घोड़े की लीद जगह जगह पड़ी है, बदबू भी आ रही है उसकी काफ़ी। खैर थोड़ा सा तो मैनेज करना ही पड़ेगा। और ये देखिए जी, कितनी बसें खड़ी हैं यहाँ पे सामने, बहुत ज़्यादा हैं बसेस। तो जी यहाँ से आई थिंक प्रॉपर जो यमुनोत्री धाम की जो चढ़ाई है वो शुरू हो जाती है, और फिलहाल अभी तक तो कोई ऐसी थकान नहीं लगी। और लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड वगैरह हो रखी है, सामने पहाड़ों में देख रहा हूँ मैं। जो नदी का बहाव अभी ठीक ही है, इतना मतलब काफ़ी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। आई थिंक थोड़ी कम हो गई है बरसातें, उस वजह से थोड़ी नदी नीचे आ गई है। और ये देखिए, एंड काफ़ी टफ तो नहीं है अभी फ़िलहाल, आगे देखते हैं, आगे चढ़ाई आती है तो कुछ चैलेंजिंग मिले थोड़ा सा तो मज़ा आए, क्यों? तो जी यहाँ पे रास्ते में एक जगह आती है, क्योंकि राम मंदिर धर्म मंदिर बन गया, उससे पहले एक यहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे एंट्री करवा के जाना होता है। आगे यहाँ पे अपना नाम और नंबर और पता लिखवाना होता है, फिर आगे यहाँ से जाना है, ताकि एक रिकॉर्ड बना रहे कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कौन गया आया पता चले। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हो रही हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी लोग आए हैं यार। तो जी अभी हम करीबन 2 किलोमीटर पैदल चल लिए हैं और 3 किलोमीटर रह गए यमुनोत्री धाम। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी यहाँ इतनी भीड़ होगी। यार थकान लग गई आपको? ना ना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। वैसे तो काफ़ी एनर्जेटिक दिख रहे हो। पर यार जितने भी धाम है ना, जैसे जहाँ पे ट्रैक करके जाना पड़ता है, जैसे केदारनाथ हो गया, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री और बद्रीनाथ तो रोड पर ही है, मतलब ज़्यादा पैदल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि खच्चर वच्चर चलते हैं ना जब, तो एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, पैदल चलने में बहुत दिक्कत होती है, दूसरा ये कि थोड़े रास्ते भी कीचड़ वगैरह हो रखा है, काफ़ी बारिश होती है तो कीचड़ वीचड़ हो जाता है, और भीड़ जब बहुत ज़्यादा होती है ना तो थकान लगती है बहुत। जैसे मैं रुद्रनाथ ट्रैक पे गया था अभी, तो रुद्रनाथ के ट्रैक पे ऐसा था कि खाली मिला मुझे रास्ता, तो अपनी मतलब फुल एनर्जी और फुल एनर्जी के साथ चलता है आदमी, क्योंकि भीड़ इतनी दिखती नहीं है और ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता, कंटिन्यू चलते हैं कुछ पैच तक हम। तो फिलहाल तो चलो, तो जी चलते चलते थोड़ी सी भूख लगी है हमें, तो हमने सोचा कि
भुट्टा खा लिया जाए, खाना तो खाया नहीं जाए, खाना खाएंगे तो चला नहीं जाएगा क्यों भाई जी? भाई जी अपने भुट्टे का प्राइस बताइए यार एक बार, हम तो डर गए थे सुन के प्राइस। 50 रुपये का जी। एक तो काफ़ी हाइट पे है यहाँ, है ना, सामान लाना इधर लाना ऊपर हैं, घोड़े खच्चरों में आता है यहाँ तक ना सामान। खैर इतना यहाँ तक तो डिस्टेंस क्या है, लेकिन खैर आता ही है यार, खर्चा काफ़ी होता है। अब उन्होंने भी कमाना है, 6 महीने यात्रा खुलती है यहाँ पे, तो इस वजह से हल्के से प्राइसेस अप होते हैं। और आज हम खाएंगे जी यमुनोत्री में महंगा वाला भुट्टा। जैसे मिनिमम कितने का खाया होगा भुट्टा, ये बताओ। 15 भुट्टे का प्राइस सुन रहे हैं ना लोग, सीधा भाग रहे हैं। 50 रुपए का है। क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो, सही लगा लो। ये पहाड़ों का भुट्टा, भुट्टा सेल्समैन। अरे भुट्टा ले लो, 50 के एक सेहत बंदों के लिए। आइए आइए आइए। यार हम लोग खा रहे हैं अभी सबसे एक्सपेंसिव भुट्टा जो नौकरी का, और यू नो लोग पूछ रहे हैं प्राइस और सीधा आगे भाग रहे हैं। और यार हम कुछ ज़्यादा अमीर हैं ना, हमें बहुत पैसा है, इसलिए हम एक और खाएंगे भुट्टा, उसके बाद एक और खाएंगे, आते टाइम भुट्टो का रिकॉर्ड बनाएंगे आज। क्यों भाई जी, बहुत अच्छा है यार आपका भुट्टा, अप्रिशिएट करते हैं, आपकी बात सही है, ट्रांसपोर्टेशन ऊपर लाना बहुत कुछ है। क्यों आपकी मेहनत भी है इसमें बहुत है, हम उसे अप्रिशिएट कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन। रोहन यहीं के हो? नहीं मैं देहरादून। देहरादून कहाँ रहते हो? देहरादून मसूरी। आइए सर भुट्टा भुट्टा। भाई जी हैं मसूरी के यार, भाई ने खिलाया मैं भुट्टा जो कि बहुत बढ़िया है, मैं इसे खाता हूँ यार। कोई तो आ रहा है, आ जाएंगे रे, अमीर लोग आएंगे ना अभी और। लोग आ रहे हैं भुट्टा खाने, लेकिन जैसे प्राइस सुन रहे हैं घबरा जा रहे हैं। तो क्या करें, अरे यही है यार भाई, अगर मन है खाने का तो खाएंगे। अरे मेरे साथ आओ, अरे यार वो आंटी की मैं दिखा दूंगा ऊपर जा, वो आंटी जी आप ऊपर से लिया वो उसने जो 500 का नागपुर के, अच्छा तो 500 का वो खाए के संतरों के लिए फेमस है, ऑरेंज है ना, उसके बारे में क्या मैं बता दूंगा। ठीक है आंटी जी को थंबनेल में रख लूंगा सीधा, बोले थे और रात तक खाओ मत भाई, बहुत है ना, मिलते हैं तब जल्दी। क्यों चलते हैं यार, हमें ऊपर जाना है और वापस भी जाना है देहरादून, चले। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे जो नेपाली भाई हैं जो कितनी मेहनत करते हैं, पालकी पे ले जा रहे हैं अंकल जी को, ये भाई साहब खाली खच्चर ले जा रहे हैं आज ऊपर। जय श्री राम। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो नेपाली लोग होते हैं ना बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ये पालकी पे ले जा रहे हैं लिटा के। और यार एक और चीज़ की जब भी कभी ना खच्चर के पीछे चलो तो बहुत ध्यान से, क्योंकि खच्चर लात भी मारता है, और मैंने एक बार खाई थी केदारनाथ। ये देखिए जी पालकी पे ले जा रहे हैं,